अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम है, जल्दी जल्दी जागा हूँ। अभी बच्चों को जो है वो स्कूल छोड़ के आना है, उसके बाद अपने लॉन की तरफ जाएंगे और अपने परिंदों की तरफ जाएंगे। तो मुझे आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। अगर आप लोगों को कोई कमी नज़र आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएँ, क्योंकि व्यूअर्स, आपका जो कमेंट बॉक्स वो आपके लिए है और वो मेरी भलाई के लिए है, और जो आप लोग तनकीद करेंगे तो उसका भी मुझे फ़ायदा होगा और मैं अपनी कंटेंट को इम्प्रूव करूँगा। तो मुझे इस चीज़ से बिल्कुल बुरा नहीं लगता कि आप लोग जो है अगर कोई कमेंट करेंगे तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा, तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपने सेटअप की तरफ और आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है आजकल, और माशाल्लाह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को आज दिखानी है। तो बच्चों को जो है वो स्कूल छोड़ने, बच्चों की वैन आ रही है, आज फर्स्ट डे है बच्चों का, वैन पे जाएंगे। वैसे मैं इनको रेगुलर छोड़ के आता था, लेकिन आज से जो है इनकी वैन लगा दी है, और उसके बाद डेरे पे जाना है, वहाँ से मैंने दूध लेना है। तो वहाँ पे आपको मैं घोड़ा भी दिखा दूँगा। तो सोचा कि एक ही चक्कर में दो दो काम कर लिए जाए। डेरे पे मैं आ गया हूँ, अब दूध लेंगे यहाँ से। तो व्यूअर, ये देखें, ये है पेंटर डॉग का बच्चा। तो इसको जो है ना हम बंद ही रखेंगे, ये हमने शिकार के लिए रखे हुए हैं। अभी इसको भाई ट्रेन करेंगे। मेरा ये शौक़ नहीं है, ये हमारे भाई का शौक़ है, और ये सारे शौक़ उसके ही हैं। क्या कैसा लगा आपको फिर पेंटर डॉग? बहुत प्यारा है, ज़बरदस्त। ये भैंस है, और ये जो हमारा बैल है, इसको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर, जो बीमारी आई हुई थी वो इसको नहीं लगी। और ये जो है छोटी गाय, ये बीमार हुई थी लेकिन ये भी ठीक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन देखिए आप कितनी कमज़ोर है, तो ये बच गया, ये लकी है, लकी चैंप, इसको कुछ भी नहीं होगा। तो हॉर्स देखें, ये साफ नहीं हुआ हुआ, सुबह का टाइम है बिल्कुल। तो इसको चारा चारा डाल के जब फिर इसको साफ वगैरह किया जाता है तो माशाल्लाह। फिर अभी आपको इंशाल्लाह संडे वाले दिन जो है ना मैं दिखाऊंगा। ये इसका नाम है हुस्ने इस्लामाबाद, तो ये काफ़ी मशहूर है। तो व्यूअर्स, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको ये कैसा लगा। तो अभी जो है मैं घर जाऊंगा दूध लेके, फिर उसके बाद अपने परिंदों की तरफ जाएंगे और आपको लॉन की अपडेट भी देंगे। माशाल्लाह लॉन जो है उसमें घास लग चुकी है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स देखें, माशाल्लाह जो है वो घास जो है वो लग चुका है, सारा ग्रास जो है कल माली साहब लगा के चले गए हैं, और रात को पानी भी दे दिया था, और उन्होंने मुझे बोला था कि सुबह एक दफ़ा तुम भी पानी दे देना। तो अभी जो है जल्दी जल्दी मैं इसको पहले पानी लगाऊंगा और बाकी काम बाद में करेंगे। तो व्यूअर्स, इस वक्त जो है पानी लगा दिया मैंने जल्दी जल्दी सारा, ये देखें आप पूरा जो गीला गीला आपको नज़र आ रहा होगा। तो घास भी आपको करीब से भी दिखाता हूँ, ये सारी घास जो है लग चुकी है। इंशाल्लाह माली भाई कह रहे थे कि एक महीने के अंदर अंदर जो है ये तैयार हो जाएगी। तो अभी जो है अपने परिंदों और जानवरों की तरफ जाएंगे। तो घास जो है अभी वह डेरे पे मैं गया था, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जानवरों के लिए पड़ी थी, तो मैं ले आया हूँ, क्योंकि मेरे रैबिट्स के लिए जो है अब वो यहाँ पर घास नहीं है, और माली ने बोला है कि दो तीन दिन उनको बाहर नहीं निकालना। तो अभी ये वाली घास जो है मैं उनके लिए लाया था, तो यही उनको डालूंगा। रैबिट करीब आ गए हैं, घास तो उनकी थोड़ी बहुत पड़ी भी हुई थी अंदर, लेकिन अभी ये इनको भूख लगी हुई है तो इनको देते हैं घास। तो व्यूअर्स, ये पेड़ भी लग चुका है, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको खुशखबरी सुनाएंगे। तो व्यूअर्स, इस वक्त जो है मैंने घास और जो पानी है वो रैबिट्स को डाल दिया है, अब वो मज़े से पी रहे हैं। बाकी सारे परिंदों को भी मैंने फीड जल्दी जल्दी डाली है, और अब आपको मैं जल्दी जल्दी दिखाऊँगा, और उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि हमारे सेटअप में क्या इजाफा हुआ है। तो चलते हैं बाकी परिंदों की तरफ।
तो ये बस अब वक्त है आपको वजीज दिखाने का, तो वजीज आपको दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह इतनी बड़ी, इनके लिए भी एक एवरी टाइप ही है, मास्टर केज ही है व्यूवर, बहुत बड़ा केज है जो मकाऊ भी आराम से रह सकते हैं, मकाऊ का पेयर भी इसमें आराम से रह सकता है। तो ये देखिए माशाल्लाह इनकी फ्लाइंग कितनी अच्छी हो गई है और कितने एक्टिव हो गए हैं, जितना बड़ा केज होगा उतनी ज़्यादा इनकी फ्लाइंग होगी। तो ये आप देखें सारे माशाल्लाह, ये देखें बहुत प्यारे साइजेस और बहुत ब्राइट कलर्स हैं। व्यूवर्स आपने मुझे बताना है कि आपको ये ब्राइट लग रहे हैं या नहीं लग रहे, बाकी वो सारे दूर जाके बैठ गए। तो फ्लाइंग के लिए काफ़ी इनका अच्छा है और पानी खाना वगैरह सारा इनका रख दिया। डव को देखें इतने करीब से कैप्चर करना जो है, डव ये पेयर जो है जो टेम्ड होते हैं इन्हीं के लिए होते हैं, बाकी तो डव डरती हैं। ये देखें कितने करीब है और कैसे झुक झुक के देख भी रही है, माशाल्लाह। अल्बिनो डव का पेयर जो है वो भी तैयार है व्यूवर्स बिल्कुल ब्रीड के लिए। तो बस इसका जो है ना वहाँ पे मैं एक बर्तन रखूँगा, मेरा ये प्रोग्राम है कि बर्तन रखेंगे, कोई टोकरी शोकरी नहीं लगाएंगे, नीचे बर्तन रखेंगे और थोड़ा मैं नेस्टिंग मटेरियल फेंकूँगा तो ये खुद ही एडजस्टमेंट कर लेंगे, तो जितना नेचुरल हो इनके लिए फ़ायदा है। तो व्यूअर्स इनसे मिलिए, ये हैं चुनू और मुन्नू जो है वो नीचे केज में है, मुन्नू को मैं हाथ में नहीं रखता, चुन्नू जो है वो मेरे साथ खुश रहता है, हैप्पी रहता है अभी यहाँ पे लाइट पे। तो ये देखें तो ये चुन्नू जो है बहुत प्यारा है माशाल्लाह और बहुत टेम्ड है, ये देखें। तो ये भी जो है ना फिर जो है मस्तियाँ मस्तियाँ कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जो चीज़ें हैं वो सारी अच्छी परफॉर्म करेंगे, अभी सीज़न आए तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। अभी आपको पिजन्स के उसमें लेके जाते हैं केज में और अब वहाँ पे आपके लिए एक सरप्राइज़ है व्यूअर्स, तो वहाँ पे आपको एक सरप्राइज़ दिखाते हैं और उसके बाद रूटीन वर्क्स। तो व्यूअर ये देखिए चुन्नू जो है प्यार ले रहा है मेरे से और चुन्नू उड़ गया ये जाके बैठ गए, ये देखिए बस इसको उड़ने का भी दिल करता है लेकिन इसके फुल फेदर्स हैं, कोई काटे नहीं हुए कुछ भी नहीं, लेकिन ये अब उड़ता नहीं है, थोड़ा सा उड़ जाएगा लेकिन जो ही इसको बुलाएं तो ये वापस आ जाता है। अभी कोई बच्चे जब निकलेंगे ना व्यूवर्स तो फिर मैं उनको भी टेम करूँगा इंशाल्लाह। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएँ कि आपको चुन्नू जो है वो कैसा लगा है, चुन्नू अच्छा है या नहीं है, और नाम तो माशाल्लाह बहुत क्यूट है व्यूवर्स। तो किंग साहब ऊपर बैठे हुए हैं, किंग साहब आपको पता है इनका नाम किंग साहब ही रख देते हैं व्यूवर्स। किंग साहब जो हैं वो देखे माशाल्लाह फ्लाई कर रहे हैं और जैसा इनका नाम वैसे इनके काम हमेशा इधर ऊपर आपको मिलेंगे इस जगह पे। तो अब आप देखें हीरा और मोती और ये जो हमारे हैं पिजन्स, इनका नाम है रोमियो और जूलियट। तो व्यूअर्स अभी आपको जो सरप्राइज़ है वो मैं दिखाता हूँ व्यूअर्स। तो सरप्राइज़ ये है कि ये मेरे पास आ गए हैं मुखी, मुखी का पेयर मैंने ले लिया है और अब मुखी भी हमारे सेटअप में एंटर हो चुके हैं, मुझे आप लोगों ने बताना है कि ये पेयर कैसा है। तो व्यूअर्स ये इसकी फ़ीमेल है और मेल मेरे हाथ में है, मेल आप देखें माशाल्लाह कितना प्यारा है, आंखें देखें इसकी और ये देखें इसका ताज और पूरे माशाल्लाह जो है ना परों में है और रेडी टू ब्रीड है। तो व्यूअर्स ये था आप लोगों के लिए सरप्राइज़, बाकी अभी आपको मज़ीद कबूतर जो हैं वो दिखाता हूँ। तो इसको फ़िलहाल यहाँ पे छोड़ देते हैं, इन्होंने ये वाला बॉक्स सेलेक्ट किया हुआ है, देखें माशाल्लाह व्यूअर्स। तो आपने मुझे बताना है कि ये कैसा पेयर है। ये देखें व्यूअर्स हमारे सेटअप की जान सोना चांदी, ये जा रहा है व्यूअर्स। ये देखें मुखी की जो फीमेल है ये भी बाहर घूम रही है, तो ये भी आप लोगों ने मुझे बतानी है कि कैसी है, पूरी फ्लाइंग करती है, मैंने इसके पर शर नहीं काटे हुए। वो कबूतर थोड़े से डर रहे हैं मेरे से, हालांकि इनको डरना नहीं चाहिए लेकिन चलें कोई बात नहीं, जानवर हैं परिंदे हैं तो ये लोग डरेंगे। तो
वो देखिए मुखी और मुविर, मुझे आपने बताना है कि आपको ये मुखी कैसा लगा। तो वीवर, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, सेटअप जो है वो क्लीन होता जा रहा है माशाल्लाह। और ये आज का जो काम है हमारा, ये होगा कि ये सारे जो हैं ब्लॉक्स वगैरह और ये जितना ये आपको घर नज़र आ रहा है, ये पौधे शौधे काट के माली ने रखे हैं, तो ये सारे आज जो हैं हम शिफ्ट करेंगे यहाँ से बाहर। तो इंशाल्लाह फिर हमारा पूरा सेटअप जो है वो ठीक हो जाएगा जी। तो व्यूवर्स, आप लोगों ने मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आप लोगों को मेरा सेटअप कैसा लगा। मुझे तो लगता है कि आप काफ़ी अच्छा हो गया। तो आज के हमारे सेटअप का इजाफा जो था, मुखी का पेयर था, तो मुखी के पेयर के बारे में भी आपने बताना है कि ये कैसा था। तो व्यूवर, आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा सरप्राइजेज़ हैं जो आप लोगों को देने हैं और वो रेडी हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों ने और भी सरप्राइजेज़ देखने हैं काफ़ी ज़्यादा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया है, तो मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। बहुत ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मोर देन 50% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो मेरी उन लोगों से अपील है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।